पुनर्जन्म की बात करते ही हमें झट से सलमान और शाहरुख की फिल्म करण अर्जुन के सीन याद आ जाते हैं, लेकिन वो एक फिल्म थी और हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो हकीकत। पुनर्जन्म की कहानियों पर अक्सर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हरियाणा की जींद के एक गांव में जन्मे इस लगभग 4 साल के बच्चे की एक एक बात सच साबित हुई है। गांव जलालपुरा काना में जन्मे 4 साल के इस लविश को अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद है। इसे ये भी याद है कि वो किस गांव में जन्मा था, उसके माँ बाप कौन हैं, और तो और इस मासूम को ये भी याद है कि पिछले जन्म में आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। कितका तू कितका है? मामला का। का दीदी है? जी। भाई का? कमला। लविश को पिछले जन्म के अपने खेत भी याद हैं, और तो और 2.5 साल में जब लविश ने बोलना सीखा तो अपने गांव का नाम बोलने लगा, और वो पहली बार खुद अपने पिता और परिवार के अन्य लोगों को 7 किलोमीटर दूर राम राय गांव लेकर गया, गलियों से होते हुए घर तक लेकर गया और सबकी पहचान भी करवाई। जब 2.5 साल का बोलन लग गया तो उसने रामरा रट लगाई और माँ का नाम और एक कमला ये नाम लेने शुरू करे और उचाटी होने लगी। सारी रात खड़दू करन लग गया कि भाई मैं तो रामरा जाऊं रामरा जाऊं। तो हमने तहकीकात करी, एक दिन लेके गया मैं, उसने अपना आप घर बताया है, अपना आप वहां लेके गया है, ये बताएंगे। मैं पूछेंगे कहाँ चला, वो इशारा करेंगे, एक घर के सामने उसने इशारा कराया कि भाई यहाँ है, तो मैंने गली में उतारा, गली में उतार दे बाद वो घर में लेके गया। वहां हमने तहकीकात करी, वो बात सच पाई। तो उनने भी अपने तरीके से पूछा, भाई तस्वीरें दिखाई, वो तीर्थ वगैरह पूछा, और जिस तरह लुगाई है गाँव की आदमी है ये पूछा, ये क्या लगे है, ये कौन है, और उनके हिसाब से भी मतलब वो सच्चाई पाए। बच्चे के परिजनों का कहना है कि जब से इसे राम राय गाँव के लोगों से मिलवाया है तब से ये बहुत खुश भी है और परेशान भी नहीं रहता। तो अब वो पूरे परिवार से मिलके संतुष्ट है, अब वो चाटी वगैरह है, जिस तरह वो कंधा टक्कर मारा करता कि मैं वहां जाऊं, अब वो नहीं है। 4 साल का लविश जिस परिवार का पिछले जन्म में बेटा होने का दावा कर रहा है, वो परिवार भी इसके हर दावे की पुष्टि कर रहा है और इसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। बताओ क्या? संदीप इनका नाम था, इनके पापा जी का स्वरूप ज्योति ज्योति स्वरूप था, और ये नलके से नलका चला रहे थे, वैसे करंट लगा थे। फिर ये वहाँ जन्म ले रहा है तो आओ जाओ, इसका घर है, मिलन नजीक रहा तो मिलो, वैसे हम तो राजी हैं, मिल के जाओ। शुरू में तो अब ज्यादा पहचान थी इसकी, अभी ये थोड़ा थोड़ा कम कर रहा, नहीं पहला मान रहा पहचान रहा। पिछले जन्म में 14 वर्षीय संदीप और इस जन्म में लविश ने अपने पुराने घर की महिलाओं को भाभी कहकर बुलाया और इसे सुन सब हैरान रह गए। भाभी जी बोल रहे थे, वैसे बड़ी को भी हमारी जो जेठानी उनको भी भाभी जी कहते कर बोलता था, और फिर इसका फोटो भी बिछाना नहीं है, माम ने पूछा किसका फोटो है, बोला संदीप का, मेरा हलल है पुराना फोटो। अच्छा। हाँ, वो भी सारे पहचान लिए थे, और घर भी गली भी सब आप बताई थी इनका पापा जी। संदीप के परिवार वाले बताते हैं कि 26 जुलाई 2006 में यानी 14 साल की उम्र में संदीप की नलके पर करंट लगकर मौत हो गई थी। लविश भी अपने परिजनों को वही नलके पर ही खींच कर ले जाता है और खेतों में जाकर उसे मानो जैसे शांति सी मिल जाती है। इस हैरान कर देने वाले मामले में लविश और संदीप दोनों के ही परिवार बेहद खुश हैं। संदीप का परिवार तो लविश में अपने लाल को दोबारा पाकर फूला नहीं समा रहा। जींद से विजेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी।